रहीमकु लेसन नंबर बटन लेक्चर नंबर थर्ड लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो यहां तक इसको ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था इन द मॉर्निंग आज हम थोड़ा सा इसको मजीद आगे जाते हैं मे बी सम्रिक मिलियन एयर

मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा तो ये सारी डिस्कशन जो हम लोगों ने लेसन नंबर टू तक जो लेक्चर नंबर टू तक डिस्कस कर ली हुई है उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देख लिया होगा तो ये जो डिस्कशन चल रही है सारी वो बटन के हवाले से ठीक है ये आपको पता है सारा आई डो नॉट अंडरस्टैंड यू कहते मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा वट डज दैट मीन कहते कि उसका क्या मतलब है लेट इट गो ही टोल्ड हर लेट इट गो दो ठीक है लेट इट गो यानी यहाँ पे ऑर्थर जो है वो बार बार इस चीज को कह रहा है कि वे जाने दो तो, जाने दो तो, ठीक है वो इस चीज को अवॉइड कर रहा है इस चीज इस के बारे में बहस करने से भी अवॉइड कर रहा है एट इन साइलेंस, खामोशी से खाना खा रही है एट जो है वो ईट की सेकंड फॉर्म है सडनली पुट, शी पुट हर फॉक डाउन अचानक उसने अपना जो कांटा है ठीक है उसको नीचे रख दिया जिससे वो खाना खा रही है ठीक है ये मतलब आप टूल भी से कह सकते हैं वो औजार जिसे वो खाना खा रही थी ठीक है चमच वगैरह, या कांटा जिसे वो खाना खा रही है उसको तो वो नीचे रख देती है ठीक है और क्या कहती है सपोज इट इज ए जेनवन ऑफर कहती कि फर्ज कर लें अगर ये कोई वाकई ही असली पेशकश है तो फिर ठीक है सपोज का मतलब होता है फर्ज करना एज्यूम करना जेनुन असली को बोलते हैं आर्थर स्टेड एट आर आर्थर अपनी बीबी की तरफ घूरता है suppose it is a genuine offer. वो आगे से कहता चलो ठीक है कहता है, क्या मतलब तुम्हारा अगर अगर तुम कहती हो कि अगर ये असली तो का मतलब होता है बे यकीन नजर आना ठीक है डिस्ट्रस्टफुल उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसकी बीवी जो है से क्या बात कर रही है रहा है उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसकी जो है बट वुड यू लाइक टू डू गेट दटन पुश एंड बटन बैक एंड पुश इट मटर सामान पाओ आगे से इससे पूछता है कहता है कि तुम क्या करोगी गेट द बटन बैक बटन को वापस ले आओगी एंड पुश इट और इसे दबा दोगी अब यहाँ तक उसे नहीं पता के बटन जो है वो वापस आ गया हुआ है हालांकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वो आला जो था वो वापस आ गया हुआ है जो कि उनके किचन में मौजूद है लेकिन इस चीज का इलम उसके शोहर को बिल्कुल भी नहीं का मतलब होता है नफरत को बोलते हैं ठीक है किसी चीज को ना पसंद करना हेट डिसलाइक करना स्ट्रांगली डिसलाइक ठीक है तो नॉर्मल जो है वो बेजार नजर आती है मर्डर एथिक मर्डर हाउ वुड यू डिफाइन इट कहते कि तुम जो है इसको डिफाइन कैसे करोगे इस चीज को डिफाइन कैसे करोगे इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन नॉर्मल सेट नॉर्मल ना क्या है कि अगर आप उस बंदे को नहीं जानते ठीक है बटन दबाने से अगर कोई ऐसा बंदा मरता है अगर वो मर भी जाए जिसे हम नहीं जानते तो क्या फर्क पड़ता है आर्थर लुक्ड एस्टॉन्डेड आर्थर जो था वो क्या हो गया हैरान हो जाता है ठीक है Astounded का मतलब होता है ठीक है वो हैरान हो गया परेशान हो गया आर यू कि आप वही कह रही हैं कि जो मेरा ख्याल है कि आप कह रही यानी उसे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बीवी जो है वो ऐसा सोच रही है इफ इट इज समाइनी टेन थाउजेंड माइल्स अवे अब नॉर्मल यहाँ पे कह रही है इफ इट इज ओल्ड चाइनीज पीजेंट थाउजेंड माइल्स अवे अगर कोई बूढ़ा चीनी किसान से दस हजार मील दूर है अगर की बीमार शहरी हो फिर ठीक हो गया अब आगे से मजीद क्या डिस्कशन होती है यानी लाइन का मतलब क्या है ये है कि अगर हमारे बटन दबाने से कोई यहां से दस हजार मील दूर चीनी किसान मर जाए तो हमें क्या फर्क पड़ेगा ऑ अबाउट सम बेबी बॉय इन द पेंसिल्वेनिया आर्थर काउंटर काउंटर का मतलब होता है जवाबन हमला करना ठीक है जवाबन कि आप जो है वो मुखालफत करें किसी चीज की जवाबी दलाइल दें ठीक है रेजिस्ट करें या पोस्ट करें आर्थर जो है उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि पेंसिल्वेनिया में अगर कोई सम बेबी बॉय अगर कोई एक छोटा बच्चा मर जाएगा तो सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक अगर हमारे जो है वो अगले ही ब्लॉक में यानी आप कह लें कि अगले ही मोहल्ले में ठीक है अगर कोई खूबसूरत छोटी सी बच्ची मर जाती है तो फिर ठीक हो गया यानी कि ये दूर दराज की यहाँ पे बात की कर रही थी नॉर्मा और अब जो है जो है क्योंकि अब उन्हें यकीन नहीं है अब उन्हें पता नहीं है कि बंदा कौन मरेगा ठीक है नो यू आर लोडिंग थिंग्स कहती अब तो आप बातों की भरमाड़ कर रही हैं ठीक है कहती अब आप मतलब क्या है बात करने का नॉर्मा का नॉर्मा कहती है कि अब आप बात को बढ़ा रहे हैं जैसे ही उसके शोहर ने ये जवाब दिया कि अगर हमारी रियासत में हमारे ही मुल्क में कोई बच्चा अगर मर जाता है या कोई छोटी सी बच्ची जो है वो हमारे ही मोहल्ले में मर जाती है तो फिर आगे से उससे क्या जवाब मिलता है नो यू आर लॉडिंग थिंग्स ठीक है नॉर्मा से कहते कि भाई अब आप बात को बढ़ा रहे हैं द पॉइंट इज नॉर्मा ही कॉन्टिन्यूड अब यहाँ पे आर्थर अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है द पॉइंट इज नॉर्मा असल में बात ये है वट्स द डिफरेंस हुट्स द डिफरेंस हु इट्स अ स्टिल मर्डर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसे मार रहा है जो कत्ल होता है वो कत्ल ही होता है द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोक इन अब यहां पे नार... आर्थर जो था वो अपनी गुफ्तु को जारी किए रखा था यानी अभी उसकी गुफ्तगु जारी ही थी कि दरमियान में नॉर्मा ब्रोक इन ब्रोक ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ठीक है और ये आपका फ्रेज पूरी है ब्रेक इनसे मुराद होता है मुदाखलत करना ठीक है अभी आर्थर है बात कर रहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसको मारा कतल कतल ये ठीक है थीके? अभी वो मजीद बोलने लगा था तो दरमियान में नॉर्मा बोल पड़ती है नॉर्मा उसकी बात में मुदाखलत करती है नॉर्मा क्या कहती है इफ इट इज इन योर लाइफ कहती कि अगर कोई ऐसा शख्स मरे जिसे आपने सारी जिंदगी नहीं देखा एंड विल सी और ना ही आप कभी उसे देखेंगे someone death you don't even have to know about, अगर कोई ऐसा बंदा मरे जिसकी मौत के बारे में आपको बिल्कुल भी पता ना चले यू स्टिल बटन पूछता दबाओगे आर्थर स्टेड एट हार आर्थर जो है वो उसकी तरफ घूर के देखता है अपनी बीवी की तरफ घूर के देख रहा है अपॉल्ड खौफजुदा है वो अफसरदा भी हो आप कह सकते हैं यानी अब वो खौफ खौफजुदा हो गया यानी अब उसे पता चल गया कि मेरी बीवी पर जो है ये बात मुकम्मल तौर पर छा गई है कि वो ये काम करना चाह रही है तो इसलिए वो खौफजुदा हो गया टेरिफाइड ठीक है शॉकड अलार्म भी कह सकते हैं आप इसको यू मीन यू वुड आगे से वो क्या कहता है कहता है इसका मतलब है कि तुम ये काम करोगी ठीक है यू मीन यू वुड इसका मतलब है कि तुम ये काम करोगी

जिसके बारे में हम हम हमेशा گفتگو करते थे नॉर्मा नो अब आगे से वो क्या कहता है कि नॉर्मा नहीं फिर नॉर्मा क्या कहती है अ टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइसलैंड अ चांस टू हमें मौका मिलेगा कि हम एक छोटा सा घर खरीदें एक छोटी सी झोपड़ी खरीदें ठीक है ऑन द आइसलैंड जजीरे के ऊपर नॉर्मा नो बाकी से क्या कहता है कि नॉर्मा नहीं हिज फेस वाज वाइट अब उसका चेहरा जो था वो सफेद हो गया खौफ की वजह से यानी आप उस पर खौफ तारी हो गया से पता चल गया है कि मेरी बीवी ये काम करेगी कॉटेज बेसिकली बोलते हैं छोटी सी झोंपड़ी को मकान को ठीक है हाउस या हट वगैरह भी आप कह सकते हैं शी शडर्ट ठीक शडर्ट का मतलब होता का है कांपनाइट टेक इट इज कहती ठीक है कोई बात नहीं तुम जरा से मेरी बात सुनो ठीक है टेक इट इजी कि इस बात को जरा आसान लो इत, इस बात को ज्यादा अपने दिमाग पर हावी ना करो वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट कि तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो इट्स ओनली टॉक कहते कि मैं सिर्फ अभी गुफ्तगु कर रही हूँ इन इसका बात करने का मकसद ये कि मैं कौन सा बटन दबाने लगी हम तो जस्ट अभी गुफ्तगु कर रहे हैं इट्स ओनली टॉक ये सिर्फ गुफ्तगु है आफ्टर डिनर आर्थर वेंट इन टू द लिविंग रूम डिनर के बाद आर्थर जो था वो लिविंग रूम में चला गया बिफोर यू लेफ्ट टेबल टेबल छोड़ने से पहले ही सेट उसने कहा आई वुड रादर नोट डिस्कस इट एनी मोर इफ यू डोंट माइंड जाते जाते वो अपनी बीवी को कह गया कि मैं इसके बारे में मजीद बहस नहीं करना चाहता इफ यू डोंट माइंड अगर तुम माइंड ना करो नॉर्मा शॉर्मा ने कंधे चढ़ाए ठीक है नॉर्मा ने कंधे चढ़ाए Before, अच्छा फाइन विद मी कहते ठीक है इट्स ओके फाइन got गॉट earlier अर्लियर देन यू make मेक eggs एग्स tea फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट अगले दिन वो क्या करती है वो मामूल से पहले उठ जाती है अपने शोहर के लिए खाना बनाने के लिए नाश्ता बनाने के लिए ठीक है शी गॉट up अर्लियर देन यू यल के वो मामूल से पहले उठ जाती है अपने शोहर के लिए नाश्ता बनाने के लिए टू मेक पैनकेक्स, केक्स केक्स वगैरह तैयार करती है अपने के लिए। तैयार करती है तैयार करती है टाइप ऑफ केक ही आस्क्ड विद अब शोहर जो है वो मुस्कुराट के साथ पूछता है कि आज की खास मौका है नो no, कैन वो आगे से जवाब देती कि कोई मौका नहीं नॉर्मल लुक्ड ऑफेंडेड नॉर्मा जो थी वो थोड़ी सी नाराज नजर आ रही थी ठीक हो गया आई वॉन्ट आई वॉन्टेड टू डू इट डेट सॉल्व कहती मैं ये काम करना चाह रही थी मैंने ये कर दी। गुड ही सेट उसने कहा चलो अच्छी बात है आई एम ग्लैड यू डिट कहता कि मुझे खुशी हुई कि तुमने ये काम किया शी रीफिल्ड हिज कप उसने अपना कप दोबारा से रीफिल्ड किया यानी अपने कप को दोबारा से जो है वो भरा चाय के जरिए वॉन्टेड टू शो यू दैट आई एम नॉट शी स्ट्रक्ट ठीक हो गया कहती कि मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैं नहीं हूं ठीक हो गया शरक लफ्जीमानी कंधे चढ़ाना मानी कंधे चढ़ाना शी रिफिल्ड हिज कप कि उसने अपना कप दोबारा भरा वॉन्टेड टू शो मी कि मैं आपको दिखाना चाहती थी आई एम नॉट कि मैं नहीं हूं शी शीर्षरक उसने कंधे चढ़ाए नॉट वॉट क्या नहीं हो सेल्फिश कहती कि सेल्फिश डिड आई से क्या मैंने आपको कहा कि आप सेल्फिश थी वेल शी gestures vaguely. वेगुली जेस का मतलब होता है इशारा करना Vaguely, बे एहतियाती के साथ या अनक्लियरली आप कह सकते हैं ठीक है कि जब जब कोई चीज क्लियर ना हो क्लियर ना हो तो वो मतलब इशारा करता है गैर उसने गैर इशारा करते हुए कहा लास्ट नाइट ठीक है कि यानी कि वो यहां पे बताना चाह रही है कि भई ये मैं जो डिस्कशन कर रही हूँ रात वाली कर रही हूँ Arthur did not speak. Arthur ने उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया गुफ्तु कर रही हूँ आई थिंक यू वेल मिस अंडरस्टुंड कहती कि मेरा ख्याल है कि तुमने शायद मुझे गलत समझा इन वट वे हिज वॉइस वॉज गॉडेड ठीक अब वो बड़े एहतियात से बात कर रहे हैं ठीक है इन हिज वॉइस वॉज गॉडेड एहतियात से बात करते हुए कहता है कहता है कि किस अंदाज में आई थिंक यू फेल्ट फेल्टी अगेन उसने दोबारा इशारा करते हुए कहा कि मेरा मैंने सोचा कि तुमने महसूस किया दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग फॉर माई सेल्फ मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ यानी कि वहां पर फिर वो अपने शोहर को कायल करने की कोशिश करती है कहती कि शायद तुमने ये समझा है कि मैं तुम्हें मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ ओह आई वॉज नॉट नॉर्मा वेल आई वॉज नॉट वेन टॉक्ट अबाउट यूरोप अटेज ऑन द आइसलैंड अब वो फिर कल वाली गुफ्तु जो रात उन, उनके दरमियान गुफ्तगु हुई वो फिर वो गुफ्तु कर रही है ठीक है वेन ई ट अबाउट यूरोप कहते कि जब मैंने आपसे बात की यूरोप के हवाले से कि हम लोग यूरोप की सैर करेंगे या जजीरे पर घर बनाएंगे नॉर्मा वाई आर वी गेटिंग सो इनवॉल्व नॉर्मा हम इस चीज के बारे में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं यानी हम इस चीज में इतना शामिल है क्यों हो रहे हैं आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल कहती कि मैं हरगज भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही एट ऑल का मतलब होता है हरगज इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना शी ड्रीव इन शेकिंग ब्रिथ उसने कांपती हुई सांस ली ठीक है शेकिंग ब्रिथ से मुराद क्या है कांपती हुई सांस लेना कांपते हुए ट्रेम्बलिंग भी आप कह सकते हैं ठीक है शिवरिंग भी कह सकते हैं कविंग भी कह सकते हैं आई एम सिम्पली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट कहती कि मैं सिर्फ निशानदाही करना चाह रही थी इंडिकेट का मतलब होता है निशानदे व्हाट कहती कि क्या दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप कि मैं चाह रही थी कि हम लोग यूरोप की सैर करें लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइसलैंड मैं चाह रही थी कि हम लोग जजीरे पर जो है वो घर बनाए झोपड़ी वगैरह बनाए लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट मैं चाह रही थी कि हम लोग एक अच्छा जो है वो uh, बेहतर घर बनाए ठीक है नाइसर अपार्टमेंट हमारा बेहतर फर्नीचर हो नाइसर क्लॉथ्स हमारे पास बेहतर कपड़े हों आकार और एक अच्छी कार हो ठीक है फिर मैं लाइन को रिपीट कर रहा दैट आई वुड लाइक फॉर अस ये मैं चाह रही थी कि हमारे पास हम लोग यूरोप की सैर के लिए जाएं हम लोग जजीरे पर घर बनाए हमारे पास अच्छा बेहतर घर हो बेहतर जो है वो फर्नीचर हो बेहतर कपड़े हों और एक अच्छी कार हो नॉर्मा वी विल कहा नॉर्मा हम करेंगे मायूसी को के में, है, शौक, वो में, की हालत में अपनी बीवी की तरफ देख रहा है नॉर्मा वो फिर बात को जारी कर, करना चाह रहा था लेकिन फिर वो बोलती है आगे से कप आर यू ही आर यू रेली सेंगे अब वो क्या कर रहा है कि वो मतलब थोड़ा सा पीछे हटना शुरू कर दिए अब उसे समझ आ गई है कि मेरी बीवी ने अपना मुकम्मल तौर पर जेन बना लिया है ये काम करने के लिए लिहाजा अब वो थोड़ा सा अपने मौके से पीछे हट जाता है आर यू रिय क्या वाकई ये कह रही हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि शायद वो ये हो जाए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन शक्चर को इसको जो टेक्स्ट है इसको खत्म करके और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो साथ साथ डिस्कस कर लेंगे टेक्स्ट आज के लेक्चर में लंबी हो जानी थी लिहाजा लेक्चर नंबर थर्ड में इधर ही खत्म कर रहा हूँ लेक्चर नंबर फोर में इसकी आइंदा आने वाली टेक्स्ट और प्लस क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करें